बीसीसीआई ने किया है बड़ा ऐलान, अब भारत में टेस्ट खेलने आएगी अफगानिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अब भारत में टेस्ट होस्ट कर सकती है अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि बीसीसीआई ने दिखा दी है हरी झंडी। कब, कहां और किसके साथ ये मैच होने वाला है, इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको बता पाए और ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज आपके साथ लगातार शेयर कर पाए। स्पोर्ट्स सियारी पे हैं आप इस वक्त, मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा आपने सुना कि अब अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, अफगानिस्तान की टीम है, उसे ये मौका मिल गया है कि इंडिया में वो होस्ट कर पाए अपने होम गेम्स, यानी होम वेन्यू अब उनका अफगानिस्तान नहीं बल्कि इंडिया होने वाला है। और इसमें उनकी मदद की है बीसीसीआई ने। आपको बता दें कि साल 2021 में जब तालिबानी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, उसके बाद क्रिकेट के हालात अफगानिस्तान में कुछ खासा नजर नहीं आए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मिले, जिसके बाद काफी ज्यादा फर्क भी देखने को मिला टीम में और जिस तरीके से इनका अप्रोच था उसमें भी। पर अब एक बड़े भाई या फिर आप कहें एक अच्छे दोस्त होने के नाते बीसीसीआई ने यहां मदद का हाथ बढ़ाया। साल 2015 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने एक मेमोरेंडम भी साइन किया था कि हम उनकी हेल्प करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें डेवलपमेंट ये है कि अब 3 वेन्यूज मुहैया करवाई है बीसीसीआई ने। पहला है ग्रेटर नोएडा, दूसरा है कानपुर और तीसरा है लखनऊ, जहां होस्ट कर सकेगी अफगानी क्रिकेट बोर्ड या फिर अफगानी क्रिकेट टीम अपने होम मैचेस। बता दे आपको कि सितंबर के महीने में अगर रिपोर्ट्स की माने तो न्यूजीलैंड खेलने आ सकती है अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया में, जहां इससे पहले एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं खेलने वाले हैं अफगानिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज जब से तालिबानी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। पर उनकी नेबरिंग कंट्री न्यूजीलैंड इस पे एक अलग स्टांस लेते हुए नजर आई और जहां तक माना जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच है वो होस्ट कर सकती है और ये एक मेडन टेस्ट मैच रहने वाला है। इसी के बाद न्यूजीलैंड आपको इंडिया के खिलाफ भी खेलते हुए दिखेगी, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत बड़ा न्यूज भी है उनके लिए, क्योंकि अब इंडिया में वो होस्ट कर सकेंगे और एक जो होम गेम का एडवांटेज रहता है वो भी ले सकेगी ये सारी टीम्स। सितंबर के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल सकते हैं इस वेन्यू पे। तो जिस तरीके से बीसीसीआई ने मदद की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्या इसके बाद यानी न्यूजीलैंड के मैच के बाद अब इंडिया को भी पहल करनी चाहिए और इंडियन टीम को भी खेलना चाहिए होम वेन्यू पे अफगानिस्तान के, जो कि इंडिया में है अफगानिस्तान के साथ? इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।